अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह की शुक्र से। और आज है सातवां दिन हमें आते जाते घूमते फिरते, तो यहाँ आ गए हैं हम कॉर्निश पर। कॉर्निश काफी अंदर को जाकर है और यहाँ हो रहे थे शो और फुटबॉल का वो था आज बहुत बड़ा एक मैच और उसके लिए ही ये शो हो रहे थे। तो यहाँ पर शो खत्म था, आज लास्ट डे था। तो हम घूम रहे हैं यहाँ पर कॉर्निश, काफी सर्दी पड़ रही है। तो यहाँ पर मिलिट्री का भी कुछ ऐसा था कि बच्चे फोटो खिंचवा रहे थे, वो खड़ी हुई थी जो बड़ी गाड़ियां होती हैं और यूनिफॉर्म पहन कर थे और ये इस तरीके से अपना पूरा मुंह कवर करके बच्चे फोटो खिंचवा रहे थे इनके साथ। और हेलो, कहाँ पे आए हो? ग्यारह में। ग्यारह मतलब? ग्यारह है मार्केट में, छोटी सी है, ये छोटी सी कर देंगे बस। शूज की है, कपड़ों की है। तो आज हम आए हैं यारा में और यारा एक मार्केट है, छोटी कपड़े और शूज और बहुत सी कुछ इस तरह की चीजें, और नीचे मार्केट थी सुपर मार्केट, ऊपर ये सब था। तो यहाँ देख रहे थे हम आयान के लिए कुछ चीजें, तो घूम रहे हैं हम यहाँ पर। और ये है हमारा डे आठवां, यानी कि आठ दिन हमारा हो गया है जाते हुए और आते हुए। और किसी ब्लॉग में हमने दो दिन की भी डाली थी। तो इसका साइज देख रहे थे हम कुछ, जो कि इसके साइज में आए नीचे बिठाकर, और इसके साइज की सर, क्योंकि इनके आने के बाद यहाँ ठंड पड़ गई थी सर्दी, तो सर्दी की कुछ चीज देख रहे थे इसको पहनने के लिए शूज और सर्दी के लिए कुछ मोटे कपड़े। तो हम वहां से तो आ चुके थे रात को और सो गए थे। फिर दूसरा दिन शाम को हम आ गए हैं अजदान वॉक, क्योंकि ये बिल्कुल पास ही पड़ती है घर के। आज स्टार्टिंग यहीं से करिए, ये है डे नाइन। तो अभी हम अजदान वॉक पर फोटो वोटो खींच रहे हैं और ये बिल्कुल देखिए पानी के पास ही है, बिल्कुल पानी पर ही है बिल्डिंग भी। यहाँ मैं पहले भी जा चुकी हूँ, तो अभी इनके फोटो ले रहे हैं अमान। और यहाँ से जब फोटो खींच गए थे तो हम चले गए थे मैकडी के पास, तो वहां पर है झूले। सो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं घर पे और दो तीन दिन के बाद हम कहीं और भी जा रहे हैं, वो आपको व्लॉग में आने के टाइम पे पता चल जाएगा। एंड अभी व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मम्मी और मैं बिजी हैं। हम ना व्लॉग हमने बना के रखे हुए, डालेंगे तो जब गेस्ट चले जाएंगे उसके बाद आपको लगातार व्लॉग देखने को मिलेंगे। और मम्मा कहाँ घूम रहे हो? अकेले अकेले कॉर्निश पर है जो हमारे बिल्कुल घर के करीब में है, और मैकडॉनल्ड है यहाँ पर, बस इतना ही है। चलिए आज घर पे बन रहा है पिज्जा, तो वो भी दिखाएंगे। आज जाके पिज्जा बनाऊंगी। चलिए बाय। आज हम खाएंगे पिज्जा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आए बहरीन ब्रिज पे, एंड ये था नेक्स्ट डे, मतलब जो रात को आपने सीन देखा उसके बाद ये था नेक्स्ट डे। मॉर्निंग के टाइम पे ही हम लोग आ गए थे, बस यहाँ थोड़ा बहुत हम लोग घूमे, लंच किए, उसके बाद चले गए थे। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए बहरीन ब्रिज, लाइक इंटर हो चुके हैं हम लोग। इधर मॉम बैठ, मॉम ने आज हरा भरा पहना है हरा भरा। इधर है नदीम भाई और बाबू जी।
तो वो रहा बहरीन ब्रिज, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। अगली बार भागेगा। ये नैनी माई है। और उस साइड पे कहीं बहरीन है, मतलब आप बॉर्डर पास करेंगे तो उधर दूसरी साइड पे बहरीन कनेक्टेड। हरा भरा। अरे मुझे इधर को नहीं, आंखें खुल रही हैं, इधर आ जाओ। ये यहाँ तो वैसे भी नहीं खुल रही। ये किस चीज के फूल है ये? सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हम बैठ चुके हैं लंच करने के लिए, एंड बहुत सारे जने थे जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब हमारे ही फैमिली थे। इकबाल अंकल थे, नदीम भाई की फैमिली है, और हम थे। तो ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, एंड बस अभी हम लंच करेंगे, और लंच के लिए हम लेके आए थे हलीम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हलीम। सो फ्रेंड्स, साबुन बीच के बाद हम आ गए थे डिनर करने के लिए। ये रात का टाइम है और हम आए एक पाकिस्तानी होटल में, जहाँ पे मिलते हैं चपली कबाब। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक लास्ट हैंग आउट होएगा। तो आप देख सकते हैं हमने लिया है चपली कबाब, दाल माश और आलू पालक। तो बस इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।